What is going on, guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to another video. And guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपन लोग आ चुके हैं आज दोबारा से Roblox के अंदर. And Roblox में आज हम लोग खेलने वाले हैं Build to Survive. That is right, guys. अपन लोग पहले भी इसका वीडियो लेकर के आ चुके हैं, but आज फिर से आए हैं एंड देखते हैं गाइस सर्वाइव कर पाते हैं या फिर नहीं. ओ भाई, काफी ज्यादा दूर जाना है दोस्तों. क्या मैं यहाँ से इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या? ओए, अरे गिर गया. अरे यार, रिस्क नहीं लेना चाहिए था. इम्पोस्टर किसी भी समय आता ही होगा. साइरन इट इज हियर. अरे भाई बचा लो, अरे पाजी बचा लो. अरे मर गया. अरे भाई क्या है, मेरे बॉडी को कहाँ फेंक दिया भाई? यार बेब्लेड बना दिया. ऑलराइट, चलो अपन लोग रिस्पॉन करेंगे. अरे रिस्पॉन ऑलरेडी. अरे भाई साइरन हेड का साइज देखो, क्या है ये भाई साहब? चौप, तू बचा कैसे भाई? व्हाट भाई, मेरे को खुद नहीं पता कैसे बचाऊ. वो गाइस लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, चौप भाई ऑलमोस्ट मरा हुआ इंसान है. आई हैव नो आइडिया वो बचा कैसे है. पर छोड़ो हटाओ, अपने पास इन सब चीजों को सोचने का टाइम नहीं है. अपन लोग खुद भाई अपना बिल्डिंग बनाना चाह रहे ऊपर. ऑलराइट, दिस शुड बी इनफ. अब एक काम करता हूँ, मैं इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को यार डिलीट करता हूँ. बहुत भद्दे लगते है भाई. क्या है ये? एक तो यार ऊपर चढ़ने का सीधा रास्ता भी नहीं दिया इन लोगों ने. ऊपर से किसी भी टाइप के यार आपको अगर नेचुरल डिजास्टर को सर्वाइव करना है ना गाइज, तो सबसे बेस्ट मेथड यही कि आप आसमान में चीजों को बनाओ. ठीक है, ऑलराइट चलो. अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग अपना बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे. ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट चॉप फॉर अ सेकंड. यार भाई साहब, लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए. ऑलराइट, अब मैं एक्चुअली मैं ना सोच रहा था गाइस कि अपन लोग व्हाइट कलर बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो इस बार अपन व्हाइट नहीं यूज करेंगे. इस बार मैं थोड़ा सा ना अलग थीम देने की कोशिश करूंगा इसको. और मेरे पास एक है, एक घर दिमाग में है गाइस. आप लोग उसको देखोगे तो गेस कर लेना. अगर बनाते समय समझ गए भाई मैं क्या बना रहा हूँ, तो नहीं भी समझ पाए तो नो प्रॉब्लम. आप लोगों को ऐसे भी वीडियो के एंड में तो पता चलने ही वाला है. ऑलराइट, लेट्स गो. ओ ओ ओ ओके. ऑलराइट, चलो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है. अब बस इसको एक्सपैंड करने का काम बाकी है गाइस. हर डायरेक्शन में मेरे को इसको थोड़ा एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन के भाई उस पे कुछ आप रियल चीजें रख ही नहीं पाओगे, तो फायदा क्या है बताओ, है ना भाई? चलो 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 चलो, कुछ सिमेट्री को मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ. जिस भी डायरेक्शन में जितने ब्लॉक्स भरने का मन है मैं भर दे रहा हूँ भाई. ये क्या बना दिया मैंने भाई, मेज जैसा बना दिया गाइज. ऑलराइट, इतना ठीक है आई गेस. ठीक है गाइज, चलो अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. राइट, अगर मेरे को और जरूरत पड़ेगी तो मैं और बना लूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना सही लग रहा है. ओ भाई ये कैसे मॉन्स्टर आए, ये तो भाई एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं यार. ऑलराइट, मेरे को इधर से आई थिंक भरने का जरूरत है गाइज. ये मॉन्स्टर बहुत तेजी से आ रहे हैं. ऑलराइट, लुक एट दैट. कूल 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 कूल. ओके, सारा जगह भाई भर देना है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों. ऑलराइट, ये भी गया, 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 ये भी गया. चलो 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 चलो, हाथ तेजी तेजी चलाओ भाई. अपने को अभी फाउंडेशन भी रेडी करना है. व्हाट भाई, मेरा तो अजीब ही फाउंडेशन रेडी हुआ हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है करूं तो करूं क्या. आगे घर बनाओ यार, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अपने पास. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, इधर का गैप ऑलमोस्ट फिल अप कर दिया है मैंने, बस थोड़ा सा इधर से. अरे इसके हाथ आ रहे ऊपर में, ये क्या है भाई, वो अपने हाथों को ऊपर कैसे ला पा रहा है? ऑलराइट चलो 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 चलो, इधर से इसको बिल्ड करो. लेट्स गो, कम ऑन. आ भाई, काश कोई इजी टूल रह पाता यार, इतनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस. यहाँ पे एक एक ब्लॉक्स अपने ब्लॉक्स अपने हाथों से प्लेस करना पड़ता है ना, सच बता रहा हूँ भाई. बहुत मेहनत का काम है ये गाइस, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है. राइट के इधर से इनको कुछ हटा देते हैं रास्ते पे से. एंड मेरा ब्लॉक आई थिंक यही है ना. ओके, वो भाई अब जाके कहीं हम लोगों का थोड़ा यार फाउंडेशन रेडी हुआ है गाइस. ओके, अब बस कुछ और ब्लॉक्स भर दूं मैं यहाँ पर. चलो चलो चलो, एक के बाद एक सारे ब्लॉक्स लगाएंगे दोस्तों. और अब बस दो लाइन और भरना है, इन दोनों को मैं साथ में कंप्लीट करूंगा. ये देखो भाई, नया पैटर्न अनलॉक कर लिया अपन लोग ने. ऑलराइट, हो गया. तो यही है हमारा कुछ फाउंडेशन गाइस. आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, बट परफेक्ट बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं मैं बस एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑलराइट, नाउ दैट इज रेडी, व्हाट वी कैन डू इज सेलेक्ट ए डार्कर शेड ऑफ ब्लॉक. ठीक है, एंड उसको ना इफ आई एम राइट, मैं अगर यहां से लगाऊ, हाँ ये परफेक्ट लग रहा है. ऑलराइट, अगर यहाँ से लगाए तो अपना बिल्डिंग बहुत सही दिखेगा. अरे यार फायर टोर्नेडो आ रहा है यार, भाई ये गलत टोर्नेडो आ रहा है, वो भी मेरे ही घर के डायरेक्शन में आ रहा है. भाई कहीं और चला जा, मेरे पास ना भाई, मैं मर जाऊंगा यार, मेरा घर अभी फायर टोर्नेडो झेलने के हालात में नहीं है. वो देखो चौप की तरफ जा रहा है अब. अरे लेट्स गो, बच गए भाई अपन. जिसका भी वहां पे घर था ना भाई, अगर होता ना वो तो गया भाई, उसका तो कोई चांस ही नहीं है वो बच जाए. ऑलराइट चलो, तो ये हो गया. एंड अब इधर से इसको प्लेस
प्लेस करेंगे। आई थिंक यहाँ पर मेरे को स्पेस छोड़ने की थोड़ी जरूरत है। ओके ऑलराइट, अब कुछ ब्लॉक्स इधर प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे अगर आप लोग समझ गए होगे तो समझ जाओ भाई, मैं थोड़ा सा विंडो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइज विंडो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस एंड अभी अपन लोग उसी को बनाने के ऊपर काम वाम कर रहे हैं। ऑलराइट आई थिंक इतना बड़ा विंडो काफी रहेगा। हाँ ठीक ही है। ऑलराइट चलो अब एक काम करता हूँ, ये है मेरा पहला वॉल जो कि रेडी हो चुका है। अब अपने को इससे सिमिलर ना अपना सेकंड वॉल भी रेडी करना पड़ेगा गाइस। ऑलराइट चलो चलो चलो, अरे थोड़ा ज्यादा ऊपर लगा दिया। ओके एंड इन सारे के सारे कॉलम्स को अपन लोग फिल अप कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऑलराइट सारे ब्लॉक्स लगा दिए जगह पे। एक बार इनको कनेक्ट कर दूं क्या भाई, मैं ये नहीं समझ पा रही, दोनों इक्वल लेवल के तो हैं। हाँ इक्वल लेवल के, चलो ऑलराइट अब इसको एक बार ऊपर से अपन लोग कनेक्ट कर ले। यहाँ पर एक और एंड लुक एट दैट, परफेक्ट। चलो अब जल्दी से अपन लोग मटेरियल चेंज करते हैं। इज दिस ग्लास, ये क्या ग्लास है क्या ये भाई, समझ नहीं पा रहा हूँ गाइस मैं। अरे ग्लास है, ग्लास ही लग रहा है। चलो भाई लेट्स गो गाइस, ग्लास ही है ये। ऑलराइट ग्लास को यहाँ पे प्लेस कर दिया हम लोगों ने। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा विंडो, लग रहा है ना। अरे भाई अपन लोग जो चीज बनाया, ऐसा हो सकता है कि भाई वो खूबसूरत ना लगे। अभी ये फायर टोर्नेडो गया नहीं उतनी देर से, ये भाई क्या घरों में जाकर लोगों को परेशान कर रहा है क्या। ऑलराइट और अब टाइम है थोड़ा सा छत को डिजाइन करने का। तो छत का मटेरियल भी मैं एक्चुअली में वही यूज करने वाला हूँ जो कि अभी तक अपन लोगों ने बाकी सबका मटेरियल किया है, ठीक है। ऑलराइट अब जल्दी से अपने को रूफ बनाना पड़ेगा गाइज। लेट्स गो सारे के सारे ब्लॉक्स लगाते जाओ। इस बार गाइज आपको मेरा घर देख के बड़ा यूनिक घर बना रहा हूँ मैं, आप लोगों ने शायद ही ऐसा घर कभी देखा होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वेरी गुड। आप लोग अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो गाइज तो लाइक मार दो, मैं जितनी तेजी से हाथ चला पा रहा हूँ मैं चला रहा हूँ। ऑलराइट एक सेकेंड, ओके ओके भाई गजब यार, सारे के सारे ब्लॉक एकदम परफेक्ट सिमेट्री में प्लेस करो तो बड़ा सैटिस्फाइंग फीलिंग आती है गाइज। ऑलराइट चलो हो गया बस थोड़ा सा और गाइज, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन लोग अपने नेक्स्ट फेज पर काम शुरू कर पाएंगे। ऑलराइट चलो अब बस थोड़ा ही सा गैप बचा है ना, इसको भी फिनिश कर देते हैं। ऑलराइट वी आर डन, कूल बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ओके अब अपने मेन चीज पे फोकस करते हैं, वो है दोस्तों इसका आर्च। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस घर को ना अपन लोग एक आर्च फिनिश देंगे, लेकिन ये आर्च बनाना इतना आसान काम नहीं होगा गाइज। पता नहीं मैं इतना ऊपर बना भी पाऊंगा क्या भाई, लेट्स सी क्या होता है। अरे वो ब्लॉक कहाँ लगा दिया मैंने। ऑलराइट बाल्डी बेसिक्स वाले मॉन्स्टर्स आ गए भाई। ऑलराइट चलो गाइज तब तक अपन लोग एक काम करते हैं, इधर से भी काम शुरू करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा अगर कैमरा मूव कर दो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। Alright, चार ब्लॉक्स इधर एंड देन लुक एट दैट, परफेक्शन बोलते हैं दोस्तों। Alright, लगता है इन सबको एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा। नहीं मैंने ही थोड़े कम ब्लॉक्स लगा दिए। अरे रुको यार, अभी गाइज बड़ा इरिटेटिंग लगता है मेरे को जब आप कभी कभार मिसकैलकुलेट कर लो ना एक्चुअली में कितना जगह चाहिए। ऑलराइट अब सही लग रहा है ये। आई थिंक एक और ऊपर जा सकता हूँ मैं, तो रुक जाओ ये। ऑलराइट बस ये वाला लग जाए। ऑलराइट तो गाइज एज यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन एंड अब जो है बस टूर का टाइम बाकी है। आ जाओ भाई फटाफट से टूर ले लेते हैं। सो यहाँ पर भाई अपना लिविंग एरिया है एज यू कैन सी, टीवी वीवी बस लगा है, सोफा है, फर्नीचर है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कुकिंग स्टोव, टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर एंड कबर्ड, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। और भाई कैसा घर बनाया है, तो बहुत खुला खुला घर है। अरे सारी जो मस्त लिविंग वाली एरिया है भाई उसको ऐसे ही डिजाइन किया है। देखो स्टेयर्स इतने ब्यूटीफुली लगाए मैंने, पता भी नहीं चल रहा है कि स्टेयर्स है ये, देख रहे हो। ऑलराइट चलो ऊपर वाले फ्लोर पे। अरे कहां वो भाई, कहां घुस गया था। ऑलराइट तो दिस इज द लिविंग एरिया एज यू कैन सी, वी हैव टू बेड्स ओवर हियर व्हिच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहां पर मस्त इंडोर लाइटिंग का भाई अपन लोग ने टॉप एरिया में ग्लास पैनल लगाया है, सामने में ग्लास विंडोज, इधर ग्लास विंडोज एंड यहाँ पर अपना वॉशरूम है, देख रहे हो काफी स्पेशियस वॉशरूम है, मस्त घूम घूम सकते हो। थोड़ी सी भी भाई अपन लोग ने जगह को यहाँ पर कंजेस्टेड नहीं किया, यहाँ पे एक्चुअली एक और बेड फिट किया जा सकता है अगर चौप रहने आएगा तो। बहुत भाई यार बाथरूम में बेड दो, शराब आ रही चाहिए वो। अब चलना नूबड़े कहीं के। तो एक बार आपको मैं एक्सटीरियर देता हूँ गाइज। तो ये रहा कुछ घर और एक्चुअली में ये चिमनी का एरिया मैंने बनाया है, वो क्या है सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय भाई सर टकरा जा रहा था इसीलिए बनाना पड़ा। अब चलो फटाफट से चलते हैं, जाओ
आप मिस्टर, मैं तो आ जाऊंगा प्लेन से, मेरे पास प्लेन है भाई। ऑलराइट लेट्स गो, फटाफट चलते हैं। प्लेन खरीद लिया है, अब इस प्लेन को एक्चुअली फ्लाई कैसे करूंगा? ऑलराइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बस क्लिक करना होता है एंड या ऊपर जी, ये बढ़िया है यार। ऑलराइट चलो 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 चलो, उड़ो 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 उड़ो, बढ़िया से उड़ो दोस्त। और भाई मेरे को अपने घर में घुसने के लिए बताओ यार, बिल्ड करना पड़ता है वो। अरे क्या करोगे दोस्त। ऑलराइट एयर एंट्रेंस यहाँ पर खुला रखा है इसने, मेरे को अच्छा लगा ये चीज देख के। अब घुस रहा है अंदर, क्या कर रहा है? ऑलराइट तुम्हारा एंट्री एरिया कहाँ से? अच्छा ये है क्या एंट्री एरिया? नहीं नहीं गेट कहाँ है भाई? व्हाट भाई गेट गेट, रुको गेट देखता हूँ कहाँ पर गेट है वो। अबे यही है क्या भाई? सब गेट है ही नहीं। ऑलराइट गाइस आई गेस यही। अबे क्या बनाया है भाई तूने? क्या पूरा का पूरा भाई सब कलर ब्लास्ट कर दिया है गाइस इसने। ऑलराइट तो आई एम अज्यूमिंग यही एंट्रेंस है। चलो तो यहाँ से टूर देते हैं। ऑलराइट ये क्या है भाई? यहाँ पे हाथ धोने का एरिया है। व्हाट भाई देखो हाथ धोने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग रास्ता बनाया है। ऑलराइट और ये क्या, ये स्टोर रूम है क्या भाई? सब मॉन्स्टर ऊपर खड़े है भाई, मॉन्स्टर लिटरली इसके घर के ऊपर खड़े है, मेरे को परछाई दिख रही है। ऑलराइट ये क्या है? ये इसका भाई सोता भी यहीं पे, खाता भी यही, पता नहीं क्या है ये। गुफा वाला भाई घर है इसका भाई, बहुत घटिया घर है गाइस। ऑलराइट ये क्या है भाई? यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन कोने में कौन रखता है? व्हाट भाई, अरे मेरे यहाँ पे कोने में ही चलता है। ऑलराइट ये टीवी खड़ा होकर के देखता है, ओके खाना यहाँ कोने में बनाता है भाई। कैसे खोपचे में घर बनाया भाई तुमने। चलो कोई बात नहीं गाइज, आई थिंक यही है चौप का घर, ज्यादा कुछ तो है नहीं देखने के लिए। तो आप लोग यार अपना रेट कर देना ठीक है अपने हिसाब से। एनीवेज गाइज दोनों के घर में किसका घर? अबे गेट खोल भाई, मेरे को बाहर जाना है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं भाई। ओ माय गॉड, मैं बाहर कैसे जाऊं इसके घर के? फाइनली। तो गाइस किसका घर ज्यादा पसंद आया, उसका या फिर मेरा? भाई इसका घर तो कैप्सूल ज्यादा लग रहा है, घर कम लग रहा है। मेरा है भाई प्रॉपर घर। एनीवेज गाइस दैट्स गोना बी इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।